हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों जनरल जेडी बख्शी ने अपनी एक मूछ कटवा ली। जी हां, आपको बताते चलें, जनरल जेडी बख्शी जो हैं अपनी भारतीय आर्मी और भारतीय गवर्नमेंट से नाखुश होकर उन्होंने अपनी एक साइड की मूछ कटवा ली। जी हां, जैसा कि आपको पता ही है कि लद्दाख में जो है चाइना और भारत की जो एक लड़ाई चल रही है, जिसमें से चाइना ने भारत के जवानों को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके फ्लैग मीटिंग के बाद उनको रहा तो कर लिया गया, जिस पर जेडी बख्शा बहुत गुस्सा हो चुके हैं। जेडी बख्शी का कहना था के बातचीत के जरिए नहीं, अब गोली के जरिए मामला हल होना चाहिए। जेडी बख्शी का कहना था कि हमारे पास हथियार नहीं है, क्या हमारे पास बारूद नहीं है? तुम पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने की बात करते हो, चाइना कब से 5 किलोमीटर के इलाके पर आके बैठ चुका है, तो उसको उसके इलाके से निकालने के लिए अपनी आर्मी को भेजना चाहिए, ना कि फ्लैग मीटिंग करके अपने जवानों के लिए भीख मांगनी चाहिए। जी हां, जनरल जेडी बख्शी इस बात पर भी जो है नाराज हुए, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि भारतीय आर्मी कैसे बैनर लगा लगा के उनको बोल रही है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। जो इस बात पे जनरल जेडी बख्शी जो है काफ़ी नाराज़ हो चुके, उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी का ये काम नहीं है कि बैनर पे सॉरी सॉरी प्लीज़ प्लीज़ लिख के अब दूसरी चाइना की आर्मी को पीछे जाने का बोले, बल्कि उनको हथियारों के जरिए लड़ना सिखाया जाए और ताकत के जरिए घुसपैठ आर्मी को पीछे ढकेला जाए और अपने मुल्क का दिफा किया जाए। जी हाँ, आपको बताते चलें, जनरल जेडी बख्शी मोदी की पॉलिसी से भी नाखुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि जो है अब हम यूएन में भी इसको बात को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यूएन में जाने से पहले ही हमने जो है अपनी रूल्स खुद वायलेट करें, जो कि हमने जो है कानून को चेंजेस करिए इस गवर्नमेंट ने, तो उस पर भी जेडी बख्शी का कहना था कि अब हम यूएन भी नहीं जा सकते और अब चाइना के पास ये बेस्ट मौका है कि वो जो है यूएन में भी हमें नहीं जाने देगा, क्योंकि यूएन के रूल जो है हमने खुद वायलेट करें, क्योंकि लद्दाख कश्मीर जो है ये मुतनाज़ा इलाका करार दिया हुआ यूएन ने। तो इस बात से जेडी बख्शी ने कहा कि नेहरू जो थे वो सही थे और मोदी जो थे वो गलत थे। तो आपके ख्याल से इस बात में नेहरू सही थे, मोदी सही थे, या चाइना सही है, या भारत सही है? कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।